दोस्तों आज मैं जो डिश शेयर करने जा रहा हूँ वो उड़द चने की दाल है, जो कि हम साबुत सूखी लाल मिर्चों के साथ बनाएंगे और बाद में उसे लास्ट में प्याज और हींग और जीरे के साथ घी में तड़का लगा के बघारेंगे। खाने में दोस्तों ये बहुत ही शानदार लगती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज उड़द चने की दाल बनाना। उड़द चने की दाल, उसके लिए मैंने सभी सामान तैयार कर लिया है। दोस्तों मैंने चने की दाल ली है, इसे मैंने एक घंटे पहले भिगो लिया था। एक घंटे पहले भिगोना पड़ेगा क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी टाइट गलती है, और मैंने इसे धो के अब साफ़ करके रख लिया है। उड़द की दाल ले लिए, इसे मैंने बस अभी धो के ही साफ करके रखा है। लाल मिर्च लिए हैं, तीखी लाल मिर्च है ये सूखी। हरी मिर्च काट लिए हैं 3, हरा धनिया और एक छोटी प्याज काट लिए। दोस्तों उड़द चने की दाल दो तरीके से बनती है, एक मसाले वाली उड़द चने की दाल और एक सूखी लाल मिर्चों की तोड़कर जो हम दाल बनाते हैं वो। दोस्तों मैं वही आज बनाने जा रहा हूँ, लाल मिर्च तोड़कर। इसमें कोई भी पिसी हुई लाल मिर्च या धनिया मैं डालूँगा नहीं, सिर्फ लाल मिर्च तोड़कर मैं ये बनाऊँगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं उड़द चने की दाल बनाना। दोस्तों हमने अपने गैस ऑन कर लिए, प्रेशर कुकर में पहले थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँगा। हमें पानी सिर्फ इतना डालना है जितने की दाल उसमें डूब जाए, एक उंगल जैसा पानी ऊपर रहे दाल से। पहले हल्का सा पानी मैं गर्म कर लूँगा। हमारा पानी हल्का सा गर्म हो गया है, हम इसमें अपनी चने की दाल डाल देंगे। उड़द की दाल भी डाल देंगे जो कि हमने धो के रखी हुई थी। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, हल्का सा एक उंगल पानी ज्यादा रहना चाहिए। आधा चम्मच में नमक डालूंगा। और 4 जैसी सूखी लाल मिर्ची मैंने काट ली थी बड़े बड़े टुकड़ों में, वो भी डाल दूंगा साथ में। और ये बाकी 3 हम जब इसे घी से बघारेंगे तब डालनी है हमें, ये मैं रख लेता हूँ। अब हम अपना प्रेशर कुकर बंद करके 2 सीटी लगाएंगे। दोस्तों अभी बीच में मैंने 2 सीटी के बाद अपना प्रेशर कुकर खोल के देखा था, दाल थोड़ी टाइट थी तो मैंने 1 सीटी और लगा ली। टोटल 3 सीटी हो गई हैं। अब मैं देख लेता हूँ दाल गली कि नहीं, काफ़ी गर्म है, दाल गल गई है। लेकिन अब दोनों दालें हमारी गल गई हैं। अब दोस्तों हम इसमें अपनी जो हरी मिर्च और हरा धनिया हमने काट के रखा हुआ है वो भी डाल लेते हैं। दोस्तों अब हम अपनी कटी हुई हरी मिर्च जो हमने बारीक काट ली थी वो अपनी दाल में ऐड कर देंगे। 3 हरी मिर्चें थीं जो हमने बारीक काट ली थी, थोड़े से धनिया पत्ते हैं जो कि हमने धो के काट लिए हैं वो भी ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला लगभग 1/4 टीस्पून हम ऐड कर देते हैं इसमें। दोस्तों हमने तीनों चीज़ें इसमें मिला दी हैं। अब लगभग 1 मिनट जैसा हल्का सा ही पकाना है हमें, क्योंकि हमारी दाल में पानी वानी नहीं है, सब एकदम फर्स्ट क्लास पक गई है। तो हल्का सा 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे, बाद में इसमें हम घी से तड़का लगा देंगे और हमारी दाल तैयार हो जाएगी। दोस्तों हमारी दाल पक गई है, अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों अब हम बघार लगाने के लिए एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई
फ्राई पैन में हम देसी घी डालेंगे। देसी घी से बघारा हुआ उड़द चने की दाल बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। दोस्तों हमारा घी हो गया है, इसमें हमने जो एक छोटा प्याज काटा हुआ था बारीक वो डाल देते हैं। इसे हल्का ब्राउन करेंगे। हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। लगभग आधा टीस्पून और हमने जो 3 साबुत लाल मिर्च छोड़ी थी वो भी डाल देंगे। और एक चुटकी जैसा हींग डाल देंगे खुशबू के लिए। हल्का ही डालना है, हींग ज़्यादा नहीं डालना, खाली एक चुटकी जैसे डालना है। दोस्तों हमारा बघार तैयार है, अब हम दाल को बघार देते हैं। दोस्तों हमारी उड़द चने की दाल एकदम तैयार है, जो कि हमने सूखी हुई लाल मिर्चों से तोड़ के बनाई है और घी से बघारी है इसे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि जो भी आगे वाले वीडियो मेरे आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।